दो साल हो गए गाइस, बिलीव नहीं हो रहा है। गाइस तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। दिस इज माय ओटीडी एंड रवि की ओटीडी ये है। सो गाइस हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट नेम इंडियन फ्लेम। ऑनलाइन हमने बहुत बार ही ऑर्डर किया वहाँ से, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू फिजिकली। ऑनलाइन आपको हमने बहुत सारे ब्लॉग दिखाया है, बटर चिकन, बटर चिकन, बट फाइनली वी आर गोइंग टू विजिट फिजिकली टू द रेस्टोरेंट। सो गाइस जकार्ता में भी आप इंडिया वाली फील ले सकते हो। देखो लग रहा है अब इंडिया में ही हो गई। म्यूजिक वैसे चल रही है और लोग सारे इंडियन हैं। गाइस को क्या दिखाना चाह रहे हो? गुफी लग रहा है ना, लगना भी चाहिए तुम गुफी। देखा मैंने बोला था ना, थैंक गॉड मेरे कैमरा ऑन रखा था। क्या है ये? 4,000 सब्सक्राइबर। दिस इज फॉर आवर सेकंड एंगेजमेंट एनिवर्सरी। क्या था कि आज 16 जुलाई है, दो साल हो गए गाइस, बिलीव नहीं हो रहा है हमारे एंगेजमेंट के 2 साल पूरे हो गए। एंगेजमेंट के 2 साल, शादी के 1 साल। सो लेट्स कट द केक मैन, कम कम विल कट इट टुगेदर। या हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी। या मैं एक्चुअली कैंडल ढूंढ रहा था पर मुझे दिखा नहीं, मुझे पता भी नहीं था। इट्स ओके, मुंह मीठा करने से स्वीट यार। इसलिए कपड़े नहीं चेंज कर रहा था, तभी से पीछे पड़ी हुई थी, कपड़े चेंज करो ये करो। मैंने बोला कुछ हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं थोड़े बहुत, कभी कभी समझना चाहिए। और इग्नोर भी नहीं करती है, इतनी चीज नोटिस करती है। 2 बार गया अंदर, प्लेट उठाता तो ये पकड़ लेती प्लेट क्यों उठा रहा है, फिर दिमाग लगा लेती। तो ऐसी हमारी क्यूट सी रही सेलिब्रेशन। अब मैं ये खाता हूँ। ओके थैंक यू। अब मैं कपड़े चेंज कर सकता हूँ। सो गाइज मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया नहीं, सारे का ब्लॉग में देख लेना। हम लोग गए थे डिनर डेट पे एंड थैंक्स टू मम्मी पापा फॉर एक्सेप्टिंग यू एज माय हस्बैंड एंड एज दामाद फॉर देम। थैंक यू, या आई लव यू। ये मैं कपड़े वहीं से जो खा के आया वहीं पहना हुआ है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे भी रहा। वो इसके ब्लॉग पे आप जाके देख लेना, मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। सो या आई लव यू टू बेबी, बाय बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो रात में आपने देखा ही मैंने सारे का वो कैसे सरप्राइज किया छोटे से केक से। सो आज मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, फाइनली मैंने अभी डिसाइड नहीं किया क्या क्या करना है। अभी सुबह उठ के हम दोनों उठे हुए हैं, सारे का जिम जा चुकी ऑलरेडी, उसके 1 घंटे हो गए। मैं भी जिम जा रहा हूँ साथ में, हम जिम करेंगे। अभी पहले केले खा लेता हूँ, भूख लग गई थी रात में खाने के बाद, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। सो अभी जिम करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी है, हम लिटरली नॉट डिसाइडेड। मैं सोच रहा हूँ अभी आज मैं शाम को मैं सोच रहा हूँ उसे मॉल ले जाऊँ और कुछ चीज़ें जो उसकी पसंद की है उसको मैं खरीदवाऊँ, इससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगे आज के दिन, और उसको ब्लॉग भी करूँगा आपको दिखाऊँगा। फिलहाल अब जल्दी से निकलते हैं जिम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, फिर वो आएगी खाना वाना बनाएगी। सो या देखते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे वो आपको दिखाएंगे। केले महंगे हैं पर अच्छे होते हैं केले यहाँ पे। सो गए जिम से वापस आ गए, मैंने नहा भी लिया, सारिका नहा रही है। तो अब क्या कर लेते हैं ना, थोड़ी कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। ऑलरेडी प्रोटीन ले ली हमने, जो फ्रूट्स है जिसमें हमारा कॉमन है ये ड्रैगन फ्रूट, एप्पल और ये पाइन एप्पल जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत मीठी होती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कट कर लेते हैं। कितनी प्यारी होती है ये देखो। और ये फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रैगन फ्रूट खाओगे
40 करोगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी रेड रेड. आई एम सॉरी जिसको डिस्गस्टिंग लगा होगा बट फैक्ट. ये मोटी सी लेयर है जो रह जाती है और ऐसा कुछ आपके यहाँ अंदर से फूट निकलेगा. ये देख लो खाली और अभी देखना आप रेडी है. जनरली ये जो फ्रूट की प्लेट है वो सारेगा में से प्रिपेयर करती है बट चूंकि आज वीकेंड है और मैं कभी कभी फ्री होता हूँ तो मैं बना लेता हूँ. उसके ब्लॉग में आपने जनरली देखा होगा कि उस सारे प्लेट्स वही बनाती है. तो इसको रखते हैं खाते हैं. वो अभी आ नहीं रही है उसके लिए छोड़ दूंगा इसी में. मैं खा लेता हूँ. ये सारे मेरे जिम से आए हुए चीज़ें यहीं रखी हुई है. गुस्सा हो गया बता दूंगा वहाँ पर. देखो वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाथ से भी खा लूँगा पर थोड़ी सी डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए. फोक लेते हैं जैसे खाते हैं. वेदर ग्लूमी एज यूजुअल और मैंने अपने बैग को जिम वाले वहाँ पे डाला है क्योंकि उसमें चीटियाँ लग गई थी पता नहीं क्यों. हम लोग रेडी हैं. सारिका भी रेडी हो रही है. तो आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं. मैंने ही बोला कि चलो कहीं बाहर चलते हैं. बहुत थका हुआ था तो आज संडे है कल से फिर काम स्टार्ट होगा तो मैंने बोला क्यों ना बाहर चलें. और इसको मैंने फुल ऑन ऑफर दिया है कि आज तुम कोई एक अपने पसंद की चीज़ जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए ले सकते हो. जो तुमने बीच में छोड़ रखा है कि हाँ मैंने मना किया था नॉर्मल डेज में वो आज स्पेशल डे में तुम ले सकते हो. रेडी हो चुकी है मैडम. मैडम के पास में 2500 बैग हैं ऐसे. ये मैं I'm a bag sucker. ऐसे बैग्स मैडम ने कहीं नहीं छोड़ा. लोकल शॉप जारा एलवी गुची अरमानी पेराडा सारा इसने कवर कर रखा है. सारा ने साड़ा का साड़ा कर रखा है. और बारे मुझे बहुत जेलसी ये कुछ पर्सनल बातें कर रही है. हमारे लड़कों में ऐसा नहीं होता है कोई किसी को अपना बोल सकता है. पता है दिल से भाई भाई हम लोग रहने वाले हैं. सो लड़कियों का सीन कुछ अलग होता है. उसको जाने देते हैं. बैठा हूँ. काफ़ी टाइम एक साल हो गए अभी यहाँ के. बहुत सारे लोकल जकार्ता की जगह नहीं घूमे. कोटाटुआ जगह है एक जिसको कि ओल्ड मार्केट ओल्ड टाउन बोलते हैं. बस हम रेडी हो गए तैयार हो गए हैं कैब बुक करना और जाना है. यहाँ ज़्यादा दूर है नहीं हाफ एन आवर की डिस्टेंस है. चलते हैं वहाँ की दिखाते हैं आपको चीज़ें कैसी लगती है. ये शर्ट आपने मेरी बाली वाली वीडियो में देखी होगी. मैंने काफ़ी उस टाइम में पहनी थी. हालांकि जो नेक्स्ट सीरीज था जिसमें जिस दिन मैं पहन गया था उस दिन वाले में मैंने वीडियो अभी तक डाली नहीं है तो एडिट करूंगा तो डाल दूंगा. गाइस अभी 6 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए जाने वाले थे. सो अंदर जाके दिखाऊंगा मैं यहाँ का सब कुछ अभी आपको. जो जगह साइकिलिंग के लिए होती है भरी पड़ी है. पता नहीं कितने सारे लोग आए. कोई कॉन्सर्ट चल रहा है क्या चल रहा है पता नहीं. जगह जगह पे म्यूजिक कॉन्सर्ट टाइप का कुछ कुछ चल रहा है. काफ़ी क्राउड है. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इस टाइम पे इतने लोग यहाँ पे हैं. कैसी लगी ब्लॉग आपको ये? होपफुली अच्छी लगी होगी. नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको हम दिखाने वाले हैं अगले ट्रिप की शॉपिंग जो हम कर रहे हैं. अगली ट्रिप भी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग. तो नए बंदे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने हैं वो कमेंट और लाइक करके जाओ. और लास्ट वीडियो पे ओवरवेलमिंग व्यू एंड रिस्पॉन्स कमेंट देने के थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय गुड नाइट.